नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। हम अभी हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि घर पे प्लान बन रहा था कैंसिल हो रहा था, तो यार अभी फाइनली हम निकल चुके हैं कालका के लिए। एंड अभी जो हमारी जो ट्रेन थी कालका मेल हमारी छूट चुकी है बिकॉज ऑफ कि हम हो गए थे लेट। तो अभी हम जाएंगे आगे की तरफ और देखेंगे और क्या क्या सीन होता है। आपने देखा ही होगा कि मेरी और मेरे भाई की थोड़ी आपस में लड़ाई वगैरह चल रही थी, है तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि आज फिर प्लान कर ही लेते हैं। प्लान करने के बाद निकले थे घर से कम 7 बजे के आसपास घर से निकले थे। प्लान था कि हावड़ा कल का मेल कैच करेंगे, पर वो छूट गई। मतलब कोशिश करी, फिर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे, टिकट काउंटर पर उसने उस टिकट दूसरे टिकट काउंटर भेजा, वो बोला भाई कि ना यहाँ तो रिजर्वेशन होती है, जरूर होती नहीं। फिर वापस आए पहले वाले के काउंटर पे, फिर ये जो हिमालय एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से, इसकी हमने टिकट बुक करवाई है 12 तक की। और अभी 10:50 में ट्रेन चल चुकी है। अब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ट्रेन का। जी, हमने स्टेशन छोड़ दिया है पुरानी दिल्ली के, दिल्ली स्टेशन छोड़ोगे आप। और अभी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है कि भाई अच्छा सा ब्लॉग आपको बना के देंगे। अभी रहा मेरा छोटा भाई, डेली ये पिछले वीडियोस में देख लेते हैं, लड़ाई होती रहती है। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती इसको, है ना। मैंने अराउंड है ना 11 बजे से उठाना चालू किया था, भाई चलते हैं। प्लानिंग बन चुकी थी पूरी, अराउंड हमारी प्लानिंग चल रही थी ना, क्या नाम है, बता दिया था मैंने पिछली वीडियो में प्लानिंग चल रही थी अराउंड इसमें 1 मंथ से बोल रहा था कि भाई मैंने कहा था इसे भाई चलेंगे यार घूमने के लिए, तो 1 मंथ से मैं बोल रहा था इसे। तो किसी ने कहा कि अब मेरी 18 को छुट्टी नहीं है, 19 को छुट्टी है, 18 को मैं कर लूँगा, तो 18 को कर लेगा। अगर ठीक है यार 18 को कर लेगा, तो 18 को भी इसने मना कर दिया। तो 19 को इसने इसकी छुट्टी थी, बट 11 बजे तक सोता था। 11 बजे फिर मैंने तंग होकर मैंने इसे उठाई दिया, फिर उठ लिया यार अब तो चलते हैं, ऐसे ही 11 मिनट ड्रामा सा चलता था। और फिर क्या नाम है, अराउंड 7 बजे हम घर से निकले। घर से निकलने के बाद यार इतना जाम लग रहा था ना वहाँ पे गुड़गांव सोना रोड वाले पे, तो जाम लग रहा था। फिर यार लेट ही हो गई हिसाब से, फिर वो कालका वाली जो ट्रेन थी वो तो छूटी गई। तो अभी हम चलेंगे आगे की तरफ और दिखाएंगे वो कहाँ और कितने बजे तक पहुँचेंगे हम अम्बाड़ा के बाद हम नेक्स्ट ट्रेन फिर से कैच करेंगे, ट्रेन कैच करेंगे या फिर क्या नाम है बस लेंगे। तो चलते हैं। सो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 2 और हम पहुंच चुके हैं अम्बाड़ा। एंड जो हमारी ट्रेन छूट गई थी कालका के लिए, तो यहाँ से हम लेंगे टिकट। और ये जो पीछे देख रहे हो ट्रेन, इससे आए थे और इसका टाइम था 3 बजे का। तो यार गाइस, जो ट्रेन है ना आज बहुत ही फास्ट एंड फास्ट आई है, फास्ट एंड फास्ट था ट्रेन पहुँची जल्दी 3 बजे का, पहुँच गई जल्दी। तो वही तो कह रहा हूँ, फास्ट एंड फास्ट आई है। अब के हम जाऊँगा टिकट लेने, टिकट कालका की टिकट, क्योंकि अपने हमारी टिकट थी अम्बाड़ा तक की, अब सीधे जाऊँगा टिकट। तो अम्बाड़ा भी हमारी इसी पीछे जो ट्रेन खड़ी है हिमालय एक्सप्रेस, इसी से आया था बस। तो ठीक है जब टिकट लेने चल रहा है तो चलते हैं आगे की तरफ और लेते हैं टिकट। और ये आ रही है मालगाड़ी, देख सकते हो। अब अभी हम चलेंगे आगे टिकट काउंटर पे। तो रात के 2 बज रहे हैं और अभी खाए जा रहे हैं छोले कुलचे। तो भाई ने तो कर दिए स्टार्ट, उससे सही है जो अभी खाए थे, बेटर है। तो खाते हैं छोले कुलचे और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
सो दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, अमित भाई अभी गए थे टिकट काउंटर पे और क्या नाम है वो इंक्वायरी कर रहे थे क्या नाम है कोई ट्रेन व्रेन है या नहीं है कालका के लिए। तो यार अभी बज रहे हैं 3, वो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि यार कोई ट्रेन व्रेन नहीं है। तो फिर मैं दूसरे काउंटर पे गया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 बजे ट्रेन आएगी, आप एक काम करो बाहर जाके ना बस ले लो। तो अभी हम जाएंगे बस लेने के लिए, इंक्वायरी करेंगे रोडवेज। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए, ले लो भाई ले। हो गई हो गई, बेस्ट ऑफ योर जर्नी नाउ। बोल बोल क्या सुनना चाहता थी बेटा। तो देख रहे हो ये है छोटी लाइन का इंजन, मेरे को तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, अमित भाई बताएंगे। तो बताइए ये जो इंजन आप देख रहे हैं मीटर गेज मतलब छोटी लाइन में चलते थे 2004 या 5 से पहले चलते थे, उसके बाद सारी जो जो इंजन है वो ट्रेन से रिप्लेस कर दी ब्रॉड गेज पे बड़ी लाइन पर। आजकल जो आप लेन वो ट्रेन देखते हो बड़ी लाइन वाले थे ब्रॉड गेज के, और ये है ये वाला। देखिए गाइस अभी हम चलेंगे आगे, बस देखेंगे यार क्योंकि अभी तो रुक नहीं सकते 7 बजे तक। और मैं बताता हूँ छोटी लाइन से मतलब क्या है, छोटी लाइन से मतलब बताता हूँ आपको। छोटी लाइन से मतलब जो ट्रैक का वो है उसे कहते हैं मीटर गेज। ट्रैक देख रहे हो, ट्रैक का डिस्टेंस, ट्रैक का जो इंजन में ट्रैक देख रहे हो ये तो मीटर गेज बोलते हैं छोटी लाइन का इंजन। इस मतलब 2004-5 तक चलती थी भारतीय रेलवे में ये ऐसी ट्रेन मीटर गेज की जो छोटी लाइन थी साथ में बड़ी लाइन की, पर धीरे धीरे 2004-5 के बाद से पूरी ब्रॉड गेज में रिप्लेस होती है। मैं खड़ा हूँ अम्बाला जंक्शन पे, अम्बाला छावनी जिसे बोलते हैं, पीछे आप देखते हैं टैंक मेरे कहा। अभी कौन सी युद्ध का आई तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी वहाँ पे उसमें क्या बोलते हैं, और जो टिकट का एग्जीक्यूटिव था ट्रेन टिकटिंग का एग्जीक्यूटिव उसने बोला कि यार पता उसको आइडिया ही नहीं कि कालका की ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी, तो उसका वेरी रूड बिहेवियर था। तो बाकी मैंने फिर इंक्वायरी पर किया कि क्या कहानी, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे के आसपास अपनी ट्रेन आएगी, मगर 7 बजे तक कौन वेट करेगा, तो हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ से। ठीक है सामने आप देख रहे हो बस इंक्वायरी करेंगे बस में, तो देख लेते हैं कि कालका तक का फेयर और शिमला तक का फेयर क्या होगा, तो चलते हैं आइए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और अभी हम बैठ चुके हैं चंडी मंदिर की बस में और चाय की चुस्कियाँ ली थी, कुछ ऐसा हो गया था। अभी हम बाहर आए और बस वाली हमें मिली चंडी मंदिर के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं चंडी मंदिर और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए चलते हैं चंडी मंदिर। तो वहाँ मिली